जिला मुख्यालय से सटे डूंडा सिवनी मंडला रोड के जंगलों में बड़े पैमाने पर जुआ संचालित होने की खबर मिलने पर पुलिस ने दो टीम बनाकर छापामार की कार्रवाई की, जिसमें 13 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से करीब 9,89,805 रुपए नगद बरामद किए, साथ ही 18 मोबाइल और 6 कार एवं 8 बाइक भी जब्त किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रात के समय पुलिस दल ने सूचना मिलने के बाद लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर जुआरियों को धर दबोचा। सूचना मिल रही थी कि डूडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंडला रोड पर डुंगरिया गाँव में जंगल के बीच में कुछ लोग जुआ बिल्कुल सुनियोजित तरीके से करा रहे हैं। इसमें कल एक रात को इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली, उसमें तत्काल रात को 12:30 बजे दो टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी आर्मो कानीवाड़ा में जो अभी प्रोविजनल डीआई के रूप में काम कर रहे हैं और डीआई केवलारी अवस्थी, इनके साथ टीम को रवाना किया गया और बहुत स्ट्रेटजिकली इसको इस पर रेड की गई। रेड के दौरान वहाँ पर 13 लोगों की को अभिरक्षा में लिया गया और उनसे 9,89,805 रुपये जब्त हुए हैं, 18 मोबाइल और 6 कार और 8 बाइक्स की जब्ती वहाँ से की गई है। और ये इसमें जो पुलिस टीम ने जिस तरह से इस रेड को अंजाम दिया वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि दोनों थाना प्रभारियों को जिन्होंने कार्रवाई की है उनको पुलिस की तरफ से उचित पारितोषिक दिया जाएगा। साथ में जो डूडा सिवनी थाना प्रभारी के थाने के अंतर्गत ये मामला है तो उसमें थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है, बाकी जो पीड़ित प्रभारी है उनको भी दो लोगों को और सस्पेंड किया। सर अभी हम लोगों ने सफाया किया था, लेकिन जो जुआ खिलाने वाले कई बार वो अपने वॉच टॉवर 200-500 रुपये लेके लगा देते हैं, जिससे कि पुलिस की गाड़ी अगर रात को निकलती है तो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं और उसमें हमारी रेड कई बार विफल हो जाती है। इस बार पुलिस ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई और रात को गाड़ियों के साथ न जाके कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल जंगल में हमारी टीम गई और जो मेन स्पॉट था वहाँ पर पहुँच के कोई मटेरियल